हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नदीम बोल रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारा ड्राइवर होता है, और ड्राइवर को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। और बड़े बड़े जो मास्टर लोग होते हैं और जो नए सीखने वाले लोग होते हैं, सभी को इसका इश्यू आता है। तो ड्राइवर मोस्टली हम कौन से यूज़ करते हैं और कहाँ से हम उसका डाउनलोड करते हैं, तो जितने भी ड्राइवर हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और एक एक करके हम ड्राइवर के बारे में चेक करते हैं। तो ड्राइवर का अपने एक फोल्डर बना रखा है अपने पास। तो सबसे पहले हर ड्राइवर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हम जो चेक करते हैं पीसी में, हमारे ओप्पो क्वालकॉम वाला ड्राइवर है या नहीं, ये वाला जो ड्राइवर है, ठीक है, ये वाला। तो हम सबसे पहले जाएंगे सी में, सी पार्टीशन में हम गए। यहाँ पर प्रोग्राम में जाने के बाद हम यहाँ पर वन प्लस के नाम से लेटेस्ट ड्राइवर आता है, क्योंकि हम MT के ड्राइवर, ठीक है, इसमें ये हमारा ड्राइवर डला हुआ होगा। इसे भी छोड़िए, दूसरी बात यह है, क्या ये जो है हमारा ड्राइवर, ये वाला हो गया हमारा एक, ठीक है। और एक आता हमारा सैमसंग का ड्राइवर, जैसे सैमसंग की हमें FRP करनी है, तो उसमें हमारा, जैसे हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर USB मॉडम शो नहीं होता, यहाँ पर USB मॉडम, सैमसंग मॉडम शो नहीं होता है, तो उसके लिए हम सैमसंग का ड्राइवर डालते हैं, ठीक है। मोस्टली जो यूज होते हैं वो यही ड्राइवर होते हैं। ये ड्राइवर जो है आपका, ये नोकिया MT के जो छोटे सेट होते हैं स्मार्ट फीचर फोन, ये उनका ड्राइवर है। ये 64 बिट विंडो का है और ये 32 बिट विंडो का है, ठीक है, इसे X86 बोलते हैं। अब आ जाइए, इसमें आपका क्वालकॉम हो गया, क्वालकॉम MT के ड्राइवर हो गया, ओप्पो वाला, सैमसंग वाला ड्राइवर हो गया, और नोकिया का फीचर फोन हो गया, ठीक है। अब ये आपका, अब ये आ गया SPD वाला, ये स्मार्टफोन वाला ड्राइवर है, जैसे कि C21Y, जो लेटेस्ट रियलमी के जो मोबाइल आ रहे हैं उनका जो ड्राइवर है वो यही ड्राइवर है, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये छोटे फ़ोन का है, जैसे आपका मान लीजिए सैमसंग के छोटे फ़ोन आते हैं B310, ठीक है, गुरु 1200, ये उसका ड्राइवर है। अब एक एक करके हम सबको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्यूकॉम MT के वाले ड्राइवर हम इंस्टॉल करेंगे, इस तरीके से इसका इंटरफेस है। और सबसे लास्ट में जितने भी ड्राइवर बचते हैं, जैसे आपका ये इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है, ये रिस्टार्ट मांगेगा दोस्तों, लेकिन हमें सिस्टम को रिस्टार्ट नहीं करना, हो बाद में करना सारे ड्राइवर इंस्टॉल करके, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका हुआई वाले ड्राइवर होता है, USB 1.0 के नाम से आता है, तो वो सारे ड्राइवर, ADB ड्राइवर, सारा हमारा जो ड्राइवर रहेगा ना, वो हमारा चिमेरा टूल में होगा, LG का ड्राइवर, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि करके। पहले हम सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आ जाइए इसके बाद सैमसंग का ड्राइवर, सैमसंग के ड्राइवर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए तो आपके सिस्टम में ड्राइवर का कोई इश्यू ही नहीं आएगा। क्योंकि ड्राइवर सबसे मेन चीज होती है, अगर ड्राइवर हमारे सिस्टम में नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई गई है, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था, और ये वीडियो आज जो बताई गई है 13 तारीख 13 दिसंबर 2021 को बनाई जा रही है ये वीडियो, ठीक है। जो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट अपडेट में कौन सा ड्राइवर ऐड हो, कौन सा कम हो, कौन सा ज़्यादा हो, ठीक है, उसके हिसाब से बनाया जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियो 6 महीने बाद या साल भर बाद देखी जाती है, तो उसके बाद कहा जाता है कि आपने वीडियो में ये बताया था, क्योंकि टाइम टू टाइम सारी चीज़ अपडेट होती रहती है। ये हमारा ये सैमसंग वाला ड्राइवर हो गया। अब इसके बाद स्पेक्ट्रम वाला हमारा ये ड्राइवर है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ड्राइवर है स्पेक्ट्रम के स्मार्टफोन वाला, आप जैसे Windows 7 है, Windows 8 है, Windows 10 है, तो हमें 10 वाला ओपन करना, और इसमें भी बिट वाला सिस्टम आता है, बिल्कुल ईजी है इसे इंस्टॉल करना, 32 बिट या 64 बिट। तो मेरी Windows 64 बिट है,
इसको बस इस तरीके से रन करना, सिंपली सारे ड्राइवर ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसमें सारे ड्राइवर तो आ गए स्मार्टफोन वाले, कोई सा भी स्पेक्ट्रम का स्मार्टफोन आ जाए सारे पर ये वर्क करेगा, ये यहाँ से अनइंस्टॉल भी हो जाएगा। ये बहुत अच्छे ड्राइवर है दोस्तों, ये हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस से और सर्च करके तब हम इन ड्राइवर को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि आप लोगों को ईजी रहे सब कुछ, नहीं तो स्पेक्ट्रम का ड्राइवर ढूंढते रहते हैं, आसानी से हाथ नहीं आते। अब आ जाइए स्मार्टफोन वाला, तो दोस्तों स्मार्टफोन वाला भी इसी तरीके से हम, सॉरी फीचर फोन वाला, तो फीचर फोन वाला भी हम इसी तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ से हम इसको रन कर देंगे, ये भी इसी तरह से रन होगा दोस्तों। ठीक है, सारे ड्राइवर ऑलरेडी डले हुए हैं इसमें पहले से, इसलिए इसने सबको कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये दोनों ड्राइवर आ गए, इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ये ड्राइवर आ गया, कॉलकॉम वाला, सैमसंग वाला, स्पेक्ट्रम स्मार्टफोन, स्पेक्ट्रम फीचर फोन। अब आ जाइए MTK, तो MTK हमारा 64 बिट और 32 बिट है, तो हमारा 64 बिट वाला हमें इंस्टॉल करना है। ये MTK का फीचर फोन है जो नोकिया वेस्ट डोंगल में काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका इंटरफेस है ड्राइवर का, और यहाँ से हम ये ऑलवेज पे टिक रहेगा और इंस्टॉल कर देंगे हम। ठीक है, ये हमारा MTK वाला भी इंस्टॉल हो गया। अब आइए चिमेरा इंस्टॉलर, इसमें सारे ड्राइवर आए थे दोस्तों। ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसे रिस्टॉल कर लेते हैं, इसे कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली कस्टम इंस्टॉल कर लीजिए। चाहे कस्टम इंस्टॉल में मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन से ड्राइवर है। देखो, एक तो स्मार्ट कार्ड और केबल वाला ड्राइवर आ गया, जैसे UMT का स्मार्ट कार्ड होता है। ठीक है, यह आपका CM2 किसी भी डोंगल का स्मार्ट कार्ड होता है, वो स्मार्ट कार्ड ADB ड्राइवर, LG का ड्राइवर, HTC ड्राइवर, Huawei ड्राइवर, ठीक है, MediaTek ड्राइवर। तो MediaTek को आप एक बार अनटिक कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा डला हुआ है। सैमसंग का भी हमारा इसमें हमने अलग से डाल लिया क्योंकि हमें उसी के ड्राइवर की जरूरत थी। और आपका ब्लैकबेरी ड्राइवर, क्वालकॉम ड्राइवर, ब्लैकबेरी OS 7 ड्राइवर, मोटरोला ड्राइवर। दोस्तों मोटरोला के ड्राइवर में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने मोटरोला का भी डाल दिया, और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी ये इंस्टॉल हो रहा है पूरी तरीके से हमारा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया गया है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी इसमें म्यूजिक या कोई भी इसमें ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो सारे ड्राइवर इसी तरीके से डलना है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको अगर ड्राइवर के रिगार्डिंग कोई भी इशू आता है तो वो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास चलती है, उस क्लास में आके ज्वाइन करके हमारी क्लास को आप उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। सारा डे बाय डे ड्राइवर का इशू, किसी भी सॉफ्टवेयर का इशू या कोई भी सेटअप इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, सारा कुछ हम आपको हेल्प करेंगे। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों ऐसी होती है जो ज़्यादातर मोस्टली कोई भी इंजीनियर या कोई भी मिस्त्री हमारा उसमें फंसता ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर ड्राइवर का ही इशू रहता है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको मेन टॉपिक अपने हमने इसको बनाया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और थैंक्स फॉर रईस भाई और आजम भाई जिनके सपोर्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और हम तीनों के ही ग्रुप का एक क्लास चल रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन दोस्तों की हेल्प हो सके। लेकिन अभी ये खाली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अभी अदर पब्लिक के लिए नहीं है ये, क्योंकि जो क्लास के लिए हमें टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती समय हमें दे रहा है, तो स्पेशली उन्हीं के लिए इस वीडियो को बनाया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही मुझे बताना था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो आपको अच्छे लगी होगी, और इसके बारे में अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका उसमें हमारे इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप बस आज के लिए इतना ही।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो नया टॉपिक होगा, जो आप ग्रुप में डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस अल्लाह हाफिज़।